दोस्तों, हम इंसानों को हमेशा जंगली जानवरों से दूर रहने के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि कब इन्हें गुस्सा आ जाएगा और ये हम पर हमला कर देगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जंगली जानवरों के हिंसक रूप के बारे में नहीं, बल्कि इनके अच्छे स्वभाव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें किसी जंगली जानवर ने इंसानों की जिंदगी बचाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि लायन भी किसी इंसान की जान बचा सकता है, या फिर एक बीवर जो कि जंगल में रहने वाला एक छोटा जानवर है, वो एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए पूरी रात उसका ख्याल रख सकता है, और एक ऐसा टर्टल जो एक 52 साल की महिला को अपनी पीठ पर बिठाकर लगातार 2 दिनों तक तैरता रहा। अगर आप इनमें से एक भी घटना के बारे में नहीं जानते तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं दुनिया में बहुत ही कम बार देखने को मिलती है। नंबर 7, सी टर्टल सेव्स ए वुमन। एक नाव के डूब जाने के बाद एक 52 साल की महिला पानी में गिर गई और वो जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने लगी। वो महिला किनारे से काफी दूर थी और उन्हें पानी की सतह पर बने रहने में भी काफी मुश्किल हो रही थी, पर तभी उनके पास से एक सी टर्टल गुजरता है और वो महिला ज्यादा ना सोचते हुए उस सी टर्टल के पीठ पर जाकर चढ़ जाती है। उस सी टर्टल ने भी महिला को कुछ नहीं किया और उन्हें अपने पीठ पर चढ़ने दिया। वो टर्टल उस महिला को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर में तैरने लगा और आखिरकार उस महिला को फिलीपीन के नेवी ने देख लिया और उन्हें अपनी बोट पर खींच लिया। उस टर्टल ने पूरे 2 दिनों तक उस महिला को अपने पीठ पर बिठाकर रखा था और इस दौरान ना तो उसने समंदर के अंदर डाइव किया और ना ही कुछ खाया। जिन लोगों ने उस महिला को बचाया उन्हें लग रहा था कि वो महिला किसी तेल के कैन के ऊपर चढ़ी हुई थी, लेकिन जब वे उनके पास गए तब उन्हें असलियत का पता चला। नंबर 6, सील फाइट्स विद शार्क। दोस्तों, शार्क अक्सर सील का शिकार किया करती है, ये उनके पसंदीदा शिकार में से एक है और एक सील शायद ही कभी किसी शार्क के हमले से बच सकता है। लेकिन अभी मैं आपको जिस सील के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इतना साहसी था कि वो एक शार्क के साथ मुकाबला करने से भी पीछे नहीं हटा। यह घटना केप टाउन के कोस्ट में घटी थी जब एक शार्क ने एक टूरिस्ट के ऊपर हमला कर दिया था। शार्क ने उस टूरिस्ट के पैरों को काट कर मांस को अलग कर दिया था। किनारे पर खड़े 2 लोगों ने जब यह नजारा देखा तो वे तुरंत उसकी मदद करने के लिए समंदर में उतरे, लेकिन शार्क के हमले से किसी को बचाना इतना भी आसान नहीं होता और अब वो तीनों मुसीबत में फंस चुके थे। शार्क उस टूरिस्ट की जान ले लेता कि तभी वहाँ पर एक सील आ जाता है और वो सील उनके चारों तरफ तैरने लगता है। जब भी वो शार्क उनमें से किसी को अटैक करने की कोशिश करती तब वो सील शार्क को दूर भगा देता। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो शार्क वहाँ से चली गई। शार्क के चले जाने के बाद रेस्क्यू टीम ने उस टूरिस्ट को बचा लिया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। नंबर 5, डॉल्फिन सेव्स पीपल। कैलिफोर्निया में एक सर्फर जब सर्फिंग कर रहा था तब अचानक एक ग्रेट व्हाइट शार्क ने उन पर हमला कर दिया। वो शार्क लगातार उन पर हमला कर रही थी। वो बार बार तैरते हुए उस आदमी के पास आती और उन पर हमला करती। शार्क ने उस आदमी को 3 बार काटा था और उसके बैक और बाएं पैर को बुरी तरह से इंजर कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि आज उनकी मौत तय है, लेकिन तभी डॉल्फिन का एक झुंड वहाँ पर आ जाता है। डॉल्फिन ये समझ गए थे कि वो आदमी मुसीबत में था और उसे मदद की जरूरत थी। डॉल्फिन ने उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिया और उस शार्क को वहाँ से दूर भगाने लगे, और क्योंकि शार्क डॉल्फिन से बहुत ही डरते हैं इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग गई। इसके बाद वो आदमी किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुँचा। वहाँ पर तुरंत उसे लोगों से मदद मिली और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉल्फिन ने इस तरह कई बार लोगों की जान बचाई है, और ऐसी एक और घटना पोर्टो रिको में भी घटी थी जब एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर ने उसके बोट को पलट दिया और वो पानी में गिर गया। वो बस नाव के एक टूटे हुए हिस्से को पकड़कर पानी की सतह पर बना हुआ था। वो आदमी पूरा दिन उस टुकड़े को पकड़कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, पर जब सूरज डूबने लगा तब वो पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि अब उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा और उनकी मौत अब पक्की है। पर तभी वहाँ पर डॉल्फिन का एक झुंड आ जाता है और उस आदमी को धकेलकर किनारे की तरफ ले जाने लगता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। नंबर 4, एलिफेंट सेव्स गर्ल फ्रॉम सुनामी। दोस्तों, साल 2004 में थाईलैंड में एक सुनामी आई थी और एक 8 साल की लड़की इस सुनामी के चपेट में आ गई थी। अचानक आई इस सुनामी में उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला। पानी उसे बहाकर दूर ले जा रही थी। वो बार बार कोशिश करने के बाद भी पानी में से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके बचने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन तभी एक हाथी वहाँ पर आता है और उस लड़की को अपनी सूंड से पकड़ लेता है। हाथी उस लड़की को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उसे लेकर ऊंचे जगह की तरफ बढ़ने लगता है। हाथी लड़की को खतरनाक लहरों से बचाता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि वो उसके पर से ना गिर जाए। आखिरकार वो हाथी लड़की को लेकर सुरक्षित जगह तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम है एम्बर ओवन और जिस हाथी ने उसे बचाया था उसका नाम है निंगनोंग। नंबर 3, बीवर सेप कीट। जब ओंटारियो में रहने वाला एक लड़का अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग पर गया हुआ था तब उसने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस ट्रिप के खत्म होते होते उसे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी होगी, और उसके इस सफर में उसे एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो उसके जिंदा रहने के चाह को बचाए रखेगा और सर्वाइव करने में उसकी मदद करेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि उसके पेरेंट्स उसे किनारे पर बिठाकर बोट पर बैठकर लेक के अंदर फिशिंग करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उस लड़के को एक भयानक नजारा देखने को मिला। उसके पेरेंट्स जिस बोट पर थे वो अचानक पानी में पलट गई और वो दोनों बोट के नीचे
नीचे फंस गए। फिर वो बोट धीरे धीरे पानी में डूबने लगी और साथ ही वो दोनों कोशिश करने के बाद भी किनारे तक नहीं पहुंच सके और उस लड़के के सामने ही वो दोनों पानी में डूब गए। उसे यह समझ में नहीं आया कि अब उसे करना क्या चाहिए और वो बस शहर की तरफ भागने लगा ताकि वो किसी की मदद ले सके। लेकिन शहर वहाँ से काफी दूर था और शहर तक पहुँचने से पहले ही सूरज डूब गया था और अंधेरा हो गया था। रात होते होते ठंड बढ़ने लगी थी और इतनी देर तक भागने की वजह से वो बुरी तरह से थक चुका था। जब ठंड की वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और उसे लगने लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, तभी उसने अपनी बॉडी पर किसी के टच को महसूस किया। उसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो था क्या, और इससे पहले कि वो उसका पता लगा सके वो बेहोश हो गया। जब सुबह उसे होश आया तब उसने देखा कि उसके चारों तरफ बीवर्स का एक झुंड सर्किल बनाकर बैठा हुआ था और उसकी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी जान बच गई। नंबर 2, सी लायन प्रिवेंट्स सुसाइड। दोस्तों, गोल्डन गेट ब्रिज दुनिया के उन जगहों में से एक है जो लोगों के सुसाइड करने के कारण काफी बदनाम है। हर साल बहुत से लोग इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि इस ब्रिज से कूदने के बाद जब उनकी बॉडी पानी को हिट करती है तब उसी इम्पैक्ट से उनकी जान चली जाती है। 19 साल का लड़का केविन हाइंस, जो कि अपनी जिंदगी से काफी परेशान था, उसने भी इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने की सोची और साल 2000 के सितंबर महीने में वो इस ब्रिज से नीचे कूद गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि नीचे पानी में कोई था जो उसकी जिंदगी बचाने वाला था। जब केविन की बॉडी जाकर पानी की सतह से टकराती है तब इतना इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि इससे उसकी कमर टूट जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी के भी टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे अब बस उस दर्द को झेलना था और डूबकर मरने का इंतजार करना था। केविन अब धीरे धीरे पानी में डूबने लगा था, लेकिन तभी उसने अपने पैरों के पास किसी को महसूस किया। इससे पहले कि केविन को कुछ भी समझ आता कि वहां पर हो क्या रहा था, उसे एक सी लायन ने धकेलकर पानी की सतह तक ले आया। वो सी लायन केविन के सिर को पानी में डूबने नहीं दे रहा था। इसके थोड़ी देर बाद मदद वहां पर पहुंची और उन्होंने केविन को कर बोट पर ले आए। केविन के बोट पर पहुंचते ही वो सी लायन वहां से चला गया। नंबर 1, लायन सेव अ गर्ल। इथियोपिया में कुछ लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर लिया था। किडनैपर्स उस लड़की को पकड़कर जंगल के अंदर ले गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित है और यहाँ पर किसी की भी नजर उन लोगों पर नहीं पड़ेगी। उन किडनैपर्स ने उस लड़की को वहाँ पर एक हफ्ते तक रखा था और उस लड़की को उनमें से एक किडनैपर के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। जब लड़की शादी करने के लिए मना कर रही थी तब उन किडनैपर्स ने उसे मारा भी था और उन लोगों ने उस लड़की पर कोई रहम नहीं की थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उस किडनैपर ने कभी नहीं सोचा होगा। उन्हें मजबूरन उस लड़की को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि शेर का एक झुंड उस जगह पर आ गया था और उन शेरों ने उन सभी किडनैपर्स को वहाँ से दूर भगा दिया था। इसके बाद उस शेर के झुंड ने लड़की को चारों तरफ से सर्कल बनाकर घेर लिया था और पूरे एक दिन तक उस लड़की की रक्षा की, जब तक पुलिस उस लड़की को ढूंढते हुए उस जगह तक नहीं पहुंची। पुलिस को जब वो लड़की मिली तब उसकी हालत काफी खराब थी, पर लकीली वो लड़की अब भी जिंदा थी। दोस्तों, ये घटना 2005 में काफी चर्चे में थी और इस स्टोरी के वायरल होने के बाद कई लायन एक्सपर्ट ने लायन के इस बिहेवियर के ऊपर अपनी अपनी राय दी। कई एक्सपर्ट के मुताबिक शायद शेर वो झुंड उस लड़की का शिकार करने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस के वहाँ पर पहुँचने पर वो सभी लड़की को छोड़कर वहाँ से चले गए। वहीं दूसरे एक्सपर्ट के मुताबिक उन शेरों ने लड़की को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका रोना शेर के बच्चे की आवाज जैसी थी। पर जो भी हो, आखिरकार उस लड़की की जान बच गई। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।